पॉपुलर्स, मेरा नाम जिला सुभान है और आज ऑनर व्यू के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मेरे साथ अनीस साहब हैं, ये इस गाड़ी के ऑनर हैं, हमें इस गाड़ी के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले हम इनसे ये पूछेंगे जी, ये गाड़ी कौन सी है और इस गाड़ी की क्या प्राइस है और ये कितने में मिल जाती है? तो सर बताइए। सुभान, ये शरार्ट वेरिएंट है और ये आपको शायद ये इलम ही होगा कि ये टोयोटा की कह लेंगे सिस्टर कंपनी है। जी जी, डाई हार्ट्स होगी। इसके काफ़ी पार्ट्स जो हैं कुछ चीज़ें इंटरचेंजेबल होती हैं, तो ये इसमें डीजल भी आया है, पेट्रोल भी आया है और इसमें डीजल के अंदर दो वेरिएंट आए थे, टर्बो और नॉन टर्बो। तो मैं पर्सनली जो है इसको नॉन टर्बो को ज़्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस इशू आ जाते हैं टर्बो के अंदर, क्योंकि गाड़ी ये थोड़ी विंटेज में चली गई हुई है, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है टर्बो की। ठीक है, नॉन टर्बो है और 1000 सीसी। 90s की जो मतलब लोग हैं वो लोग तो इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे, उस टाइम तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और पाकिस्तान में बहुत होती थी। मुझे मतलब मैं खुद 90s मतलब बिल्कुल ही छोटा था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत याद है कि जब अर्ली 2000s के अंदर तो मुझे शरार्ट गाड़ी याद है, FX गाड़ी याद है, खैबर गाड़ी याद है। तो अगर आप इन चॉइसिस में से देखें तो आपने ये स्पेसिफिकली शरार्ट अगर आपको उसी बजट के आसपास में मिलती होंगी खैबर और वो भी, तो ये चूज़ करने की क्या रीज़न थी? नहीं, इसकी रीज़न ये है कि उसका खैबर की जो है प्राइस इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अच्छा, और ये बजट कार के तौर पे ये सबसे बेस्ट इन ऑप्शन कि आपको ये अगर अच्छी इस कंडीशन में रनिंग कंडीशन के अंदर आपको विद इन 2 लाख मिल जाती है। तो खैबर आपको इस कंडीशन में इस प्राइस में नहीं मिलेगी। दूसरा, इसका मेरा लेने का मकसद ये था कि ये है डीजल। अच्छा, डीजल और पेट्रोल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको काफ़ी डिफरेंशिएट करने में आसानी होती है कि आपने आपका लाइफस्टाइल आप किस तरह का चाहते हैं। सही है। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोरस्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। पेट्रोल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिक से भी रिलेटेड होती हैं और मैकेनिकली भी रिलेटेड होती हैं। डीजल के अंदर मोस्टली चीजें जो है मैकेनिकल रिलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल का इसका इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जिस सब जस्ट इसके अंदर आपकी बैटरी हेल्दी होनी चाहिए, इसका जो फ्यूल पंप होता है वो सही एडजस्ट होना चाहिए और इंजन आपका वीक ना हो। वीक हो भी खैर चल जाता हो तो एक लाइफ के साथ इसमें चलना ही होता है। हाँ जी, इंजन वीक होगा तो जस्ट ये होगा कि वो तेल खाएगी, बाकी ये बैटरी और इसका फ्यूल पंप अच्छा है। हाँ, तो ये आपको और कभी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैकेनिकली आपने एक बार इसको फिट करवा लिया तो फिर आपको मैकेनिक के पास ट्यूनिंग के लिए, फिर जनाब इसका करंट नहीं आ रहा, इसका प्लग का इशू आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर में मसला आ गया, पॉइंट का मसला आ गया, ये चीज़ें इसके अंदर नहीं होती। इसके अंदर बैटरी सिर्फ इस्तेमाल होती है इसका करंट देने के लिए, स्टार्टिंग के लिए, ठीक है, और लाइटिंग के लिए जस्ट। सही है। लेकिन जो पेट्रोल गाड़ी होती है उसके अंदर करंट का, बिजली का काफ़ी ज़्यादा जो है ना ड्यूटीज होती है। अच्छा, प्राइस का आपने बताया कि गाड़ी 2 लाख के अंदर तकरीबन। हाँ जी, 1.5 से 2 के अंदर आपको मिल जाती है रीजनेबल। सही है। तो वैसे आजकल तो गाड़ी की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, मतलब मैं अक्सर देख रहा होता हूँ 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए गाड़ी की डायरेक्ट प्राइस बढ़ जाती है। मतलब मुझे तो लिटरली दिल के अंदर ना दर्द होना शुरू हो जाता है कि इतना सॉरी तो मतलब इस साइड पे दिल में दर्द शुरू हो जाता है कि इतनी प्राइस बढ़ गई भी आप गाड़ी ले ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो अगर मैंने एक अर्ली स्टेज में जॉब स्टार्ट की है तो मैं एटलीस्ट इसे कंसिडर कर सकता हूँ। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर स्टूडेंट को या फिर कोई इनिशियल जॉब के ऊपर बंदा बाइक से इसके ऊपर आना चाहे 1.5 से 2 लाख बजट में एकदम सेट करवा के, तो ये रिलायबल है? हाँ, बिल्कुल रिलायबल है। इसके ऊपर मैंने आउट ऑफ स्टेशन भी काफ़ी ट्रैवल किया है, 4 सदा। अच्छा। पिशावर, क्योंकि मेरा थोड़ा सा KPK से रिलेटेड बिजनेस के रिलेटेड कुछ काम मसले प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। सही। तो मैं मतलब ट्रैवलिंग भी इस पर किया, अदरवाइज जो है वैसे मेरे पास जीप भी है। अच्छा। 4 मॉडल, लेकिन ये है कि ये इकोनॉमिकल जो है बहुत ज़्यादा रहती है लॉन्ग के ऊपर। क्या मतलब इसकी लॉन्ग के ऊपर जो एवरेज है 23 किलोमीटर है पर लीटर। बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत अच्छी। सही। और अगर सिटी में? सिटी के अंदर ये तकरीबन 15 घंटे की है। बहुत काफ़ी अच्छी एवरेज है। इस पे अभी हम लोग रिसेंटली ये विंटर्स के अंदर हम लोग 6 लोग थे और हम लोग नथिया गली भी हो गए हैं इसके ऊपर। तो चढ़ाई वगैरह पे हर जगह पे? हाँ बिल्कुल,
कोई मसला नहीं है, क्योंकि डीजल की पावर जो होती है वो पेट्रोल से ज़्यादा होती है। आप ये समझ लें कि अगर ये 1000 सीसी डीजल है ना, तो ये 1200 सीसी पेट्रोल के इक्वल हो। सही है। तो इसकी मेंटेनेंस के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, मतलब ये जैसे मेरे दोस्त के पास थी होती है गाड़ी, तो उसने मुझे बताया था उसने एक दफ़ा इसमें पेट्रोल पड़वा लिया था। हाँ, तो ये इसके साथ भी इस तरह हुआ था कि पेट्रोल पंप वाले ने गलती से इसमें पेट्रोल डाल दिया और ये लिटरली तकरीबन 50 किलोमीटर फ्यूल पे चल भी गई। अच्छा। तो वो फिर भी मुझे जब बेटे ने बताया कि गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, तो फिर मैंने इसका दोबारा सारा इसको क्लीन किया, इसका पेट्रोल डाल के सारा वापस निकाला हमने, इसको एग्जिट किया, निकाला, क्लीन किया। तो उसका कुछ सही करवाई या फिर नहीं, कुछ ड्रेन करने से सही हो गई? ड्रेन करने से उसके बाद डीजल डाला उसके अंदर, थोड़ा सा इसका जो है नोजलों के अंदर मतलब ऑयल वगैरह थोड़ा सा ऐड किया डीजल के अंदर, मोबिल ऑयल ऐड किया थोड़ा सा, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। अगर यही पेट्रोल के अंदर डीजल डाल जाता तो उसका इंजन खुल जाना। अच्छा, तो मतलब अगर हम पेट्रोल गाड़ी के अंदर डीजल डाल लें, हाँ, तो वो फौरन रिएक्ट करेगी और वो उसका इंजन जो है वो सही है जवाब। आपने गाड़ी पेंट करवाई है, किस कंडीशन में ली थी? एज इट इज इसी कंडीशन में ली थी मैंने, बस इसका मैकेनिकली थोड़ा सा सस्पेंशन का काम कराया था। अच्छा। तो और इसके अलावा सच मतलब टायर मैंने चेंज किए और सस्पेंशन का काम कराया। तो वैसे आपको रफ आइडिया है कि अगर इसका दरवाज़ा या कोई लाइट वगैरह लेनी हो तो कितने तक की मिल जाएगी? इसके आपको चार दरवाजे इस मॉडल के थोड़े से महंगे हैं, जो इसके बाद ऑनकमिंग जो है मॉडल 88, हाँ, उसके थोड़े सस्ते हैं। उसको अंडा शराड, उसको अंडा शराड उसको कहते हैं, जो 88 में आया। हाँ, 92 तक आया था। हाँ। उसका 92 से 2000 तक वो एक वो गाड़ी भी अंदर से काफ़ी खुली है इसकी नस्बत, और वो भी अच्छी गाड़ी। चार दरवाजे आपको कंप्लीट चाहिए तो ये आपको कराची से या पिशावर से 20,000 में चार दरवाजे आपको मिल जाते हैं, तो सस्ते ही हैं मेरे ख्याल से। तो ठीक है। मेंटेनेंस आप इसकी ये हिसाब लगा लें कि मेहरान से थोड़ी सी ज़्यादा या आल्टो के करीब होगी या खैबर के करीब होगी, मतलब बॉडी पार्ट्स के लिहाज से। ठीक है। अभी आप ये भी बता रहे थे जैसे कि बारिश हो गए अंदर जब इसको चलाते हैं तो बारिश के अंदर इनका रिस्पांस बेहतर होता है? बिल्कुल रिस्पांस बेहतर है। इसका एयर क्लीनर से नीचे पूरी गाड़ी डिप हो जाए, अगर आप इसका एयर क्लीनर सिक्योर करके बाहर निकालें पानी से, तो आप पूरी गाड़ी भी इसको डिप कर सकते हैं, क्योंकि डीजल इंजन का जो होता है आप उसको स्टार्ट करके पानी में फेंक दें वो स्टार्ट रहेगा। अच्छा। बस उसका जो इनलेट जो है वो पानी से बाहर होना चाहिए। ठीक है, मतलब एयर इनटेक। ठीक है, ठीक है। इसमें ऑटो आती है? ऑटो भी आती होंगी इसमें, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आई ऑटो। ठीक है। एसी है? एसी इसमें इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा। लेकिन मतलब इसमें ऑप्शन है। हाँ। इसमें लगा हुआ था लेकिन वो मतलब कुछ पार्ट्स इंजन इंजन सपोर्ट कर लेता है इसका? हाँ बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि इसका जो डीजल इंजन होता है उसकी टॉर्क और पावर ज़्यादा होती है। अच्छा। तो मतलब उसमें आप एसी चलाते हुए आपको महसूस नहीं होगा कि एसी ऑन किया आपने तो गाड़ी की पिक में कोई फ़र्क पड़ गया या कोई रनिंग में फ़र्क पड़ गया, ऐसा नहीं। सही। कितना अरसे से मतलब आपके पास है? मुझे मेरे ख्याल 2 साल हो गए। आपने कितनी चला ली? मैंने इसको एटलीस्ट 20,000 तो चल गई, क्योंकि मैं इस पर लॉन्ग पे भी काफ़ी दफ़ा गया हूँ। सही। और कभी कोई ब्रेकडाउन वगैरह हुआ रास्ते में? कभी तंग किया रास्ते में? नहीं हुआ कभी भी रास्ते में? नहीं किया रास्ते में? बहुत ज़्यादा लकी हैं वैसे आप। ठीक है। एक दफ़ा स्टेरिंग से इसका जो कंघी होती है उसका उसमें आ गया था मसला, वो यहीं पर घर पर ही। हाँ हाँ। तो वो उसमें ये होता है कि स्टेरिंग आपका जो है ना प्रॉपर व्हील को जो है ना मूव नहीं करता उसमें। ठीक है। प्ले आ जाती है? प्ले आ जाती है। वो फिर मुझे करवाना पड़ा था। नहीं, वो सिटी में ही हुआ। वो तो मेंटेनेंस का इशू है ना। हाँ। वो एस एच तो नहीं है ना कि आपको मतलब बंद हो गया गाड़ी, मतलब इंजन ही कोई फेल ही हो गया ऐसा कुछ? ठीक है। अच्छा, गाड़ी के अंदर ऐसे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। मतलब लेग स्पेस एक तो इस गाड़ी की, एक तो सीटें हाँ। काफ़ी नीची हैं। हाँ। और मतलब स्पेस के अंदर एक ये मतलब डैशबोर्ड टाइप ही है, लेकिन जो टांगों की मतलब इस जगह पे स्पेस और बैक के ऊपर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी के अंदर। हेड स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। खुली गाड़ी है। हाँ, ये मेहरान और एफएक्स है ना, अंदर बैठ के काफ़ी खुली फील हो रही है। इसमें सीएनजी लगाई है आपने? सीएनजी पेट्रोल में लगती है, और सीएनजी अगर पेट्रोल भी हो तो मैं सीएनजी को प्रेफर नहीं करता। डीजल में लग ही नहीं सकती? डीजल में लग ही नहीं सकती। अच्छा। ये ऑडियो इनर तो आपने बाद में लगवाया होगा? ये बाद में लगा। ठीक है। बाकी फ़ैन है? फैन है। हाँ। फैन है, हीटर भी होगा? हीटर भी है। ठीक है। ये किस चीज़ का स्विच है? ये उसका फ़ैन का स्विच। कौन सा फ़ैन? वो ये। अच्छा, ये अंदर वाली फ़ैन का। ठीक है। और ये है, ये किस चीज़ का बटन है? ये उसका हीटर का बटन है। ठीक है। वो स्टार्ट करना था हीटर। अच्छा। हाँ, ये डीजल गाड़ियों में सुबह स्टार्ट करने से पहले हाँ हीटर देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, गाड़ी के वैसे टायर कौन सा साइज़ लगता है इस गाड़ी को? टायर इसमें 12 का साइज़ आता है, रिम का। ये गाड़ी कराची के अंदर मुझे याद है आज से कोई 6 साल पहले मैं कराची गया था, तो वहाँ पे ना ट्रैक लगते हैं, रेसें वगैरह होती हैं। तो मैं मतलब गाड़ियों का इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पता नहीं था, तो मैं उधर गया। वहाँ पर ना एक गाड़ी छोटी सी मतलब सिविक हो गई, क्रोला हो गई, सबके साथ रेस लग रही है, लांसर के साथ एक गाड़ी हराई जा रही है। तो मुझे क्यूरियोसिटी होगी, मतलब दूर खड़े हुए थे नज़र नहीं आ रहे, क्यूरियोसिटी वो शराड गाड़ी थी। हाँ।
मतलब इस गाड़ी के ऊपर जो ये मॉडिफिकेशन करके इसको वो एज अ मतलब रेसिंग वगैरह और प्रोजेक्ट कार चलाते हैं ना लोग, वो बहुत ज़्यादा है। इंजन उसमें ऐसे स्वैप किए हुए थे काफ़ी लोगों ने, लेकिन इसका मेरा ख्याल शायद बॉडी बड़ी है तो इसमें इंजन ईजिली आ जाते हैं। तो व्यूअर्स ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी एक कम बजट के अंदर लो प्राइस की कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं, जैसे बहुत लोग बाइक पे होते हैं और शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं अपने ऑफिस के डेली रूटीन में ट्रैवल करने के लिए, तो ये लो प्राइस गाड़ियाँ होती हैं जैसे शरार्ट जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। अगर आप ये गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे यूज कार सेक्शन को जाकर एक्सप्लोर करें, वहाँ पर आपको शरार्ट भी मिल जाएंगी और यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ लिस्टेड होंगी, तो आप उनको जाकर देखें और अपनी पसंद की अपनी प्राइस के बजट के अंदर गाड़ी ढूंढें। तो कोई भी यूज गाड़ी लेने से पहले पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस को जरूर कॉल करें, और इस तरह की जब आप गाड़ी रहे तो उसमें काफी सारे पुराने गाड़ियों में इश्यूज होते हैं तो उसको 200 प्लस चेक पॉइंट्स के ऊपर चेक करवाएं और गाड़ी को इंस्पेक्टर होने के बाद लें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Only on Punk.